तो पनीर लबादेदार और थ्री इडियट वाला ये देखिए इधर ये देखिए, ये लोग पीछे लाइन में हैं। मनी मन गाली दे रही थी। ये देखिए चीरी को क्या बना दिया मामी ने चश्मा लगा। सफर में तुम आगे आगे चले जाते हो 120 पे चलते हुए। सीरी के पास, सीरी के पापा के लिए जगह ही नहीं बची, वो धक्का खा रहे इधर उधर इधर उधर उधर कर रहे। और ये देखिए गाड़ियाँ निकल ली समा सम सब। ये कार खाली एबल लग रही है हम लोग के लिए। शिशु कहाँ है भाई? कार 5 किलोमीटर दूर हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट पे। ये कोई विंध पर्वत है जी, स्टिक क्या? अरे स्नैप हाँ हाँ, आई लव विंध्याचल के खेलने आई। ये देखिए स्नैपचैट पे इस पर्वत के लिए कहा जाता है कि तरफ ये पर्वत को चल रही है, जगह घेर के लोग बैठ चुके अपना। अरे शुभम भैया वहाँ क्या? अरे आओ फोटो खींचते हैं। शुभम भैया की फोटो कहीं नहीं होती, देखो बना भरा है तुम लोगों के अंदर ना। ये देखिए बदतमीजी की चरम। ये देखिए खड़े हो गए। खाने का ऑर्डर दिया कि नहीं अपने? ये देखो आराम, खड़े हो गए। ये मिला बैठे हुए हैं। विनम भैया क्या क्या ऑर्डर दिया बताइए? और नान। हाँ ठीक, बीच में हंसना जरूरी है। अच्छा भला वीडियो चलता था तुम्हारा। देखिए दोस्तों ये क्या पंडाले वाली पूरी श्री बंगला साहब एक एक का जी का लंगा चल रहा है। काहे कचौड़ी है ये? काहे कचौड़ी है ये? सुपन का कचौड़ी लो सब लोग। दोस्तों पहली शुरुआत पापड़ से हुई है मस्त। एक एक प्लेट पे रखो यार, तो पहले मौसम मामी को मिलेगा। तुम्हारा पापड़ अपड़ इधर नहीं है क्या? बेचता लो थोड़ा यार, चेक कर रहे हैं। तो प्याज भी तो मंगाओ, प्याज भुजिया जा। मतलब मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। सभी लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए। ये कहाँ जा रहे हो? चल जाओ। मेरी सीट है। तो यहाँ वहाँ क्या करने जा रहे हो? ये कहाँ बैठे भैया, इनके समझ में नहीं आ रहा घूम रहे। बोल दिया। सीधा भी खाना चलो चलो। कहाँ जा रही भाई? अपनी मम्मी चाहती
ये दोस्तों ढाबा है प्यार, छोटा सा प्यारा सा, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो पनीर लबादेदार और दाल फ्राई आ चुकी है, बाकी चीज़ों का वेट चल रहा है। दोस्तों कुछ ऐसा हम लोग रात का खाना, रोटी मिली कि नहीं सिसु? सिसु लो ले लो। दोस्तों अब खाना पानी हो चुका है, अब इस समय थोड़ा टहल रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग, ये देखिए सभी लोग टहल, एक बार वो थ्री इडियट वाला, थ्री इडियट वाला उससे नहीं बढ़ेंगे, झार झार आ जाओगे, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कहाँ बैठे। दोस्तों अब खाना पीना खा के हम लोग वापस लौट चुके हैं अपने होटल, ये देखिए। और अब मैं आप लोगों को रात में अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो दिखाता हूँ, वरना मिलते हैं मॉर्निंग में सुबह। अब तक के लिए गुड नाइट। तत्काल में सोमा ने आइसक्रीम खाने का प्लान बनाया है 10:30 बजे। इस समय ये देखिए दोस्तों होटल में कितनी सारी घड़ी लगी है, हर एक देश की एक लगी है, कितना चिल्ड वेदर है। सोमा कौन सा फ्लेवर बनवाओगे? चॉकलेट के ऊपर बढ़ जाओ कभी। रास्ता बढ़ता फ्लेवर ट्राई करेंगे। ये दोस्तों हम लोगों का होटल है, अगर आप लोग कभी भी मिर्ज़ापुर आएँ तो इस होटल में रहें, सस्ता मर्दा टिकाऊ, चीप एंड बेस्ट, वेरी चीप एंड बेस्ट, बढ़िया होटल। अरे शुभ की गाड़ी गायब हो गई। हाँ शुभ की गाड़ी गायब हो गई, ये देखिए कितना अंधेरा है। भूत बंगला, ये देखे दोस्तों भूत बंगला दिख गया मुझे, भूत बंगला दिख गया। छोटा सूप आए, छोटा सूप पहुंच भी नहीं पाया, ऐसा करो छोटा सूप तुम तो यही खा लो खोखा। यस, अरे ले ली चॉकलेट, जय। सुबह का टाइम है, सभी लोग उठ चुके हैं, सभी लोग सुबह के लिए उठ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, छोटे भैया भी तैयार हैं, बीड़ी आराम फरमा रहे हैं। सभी लोग तैयार, रेडी, ये यही मंगाए थे क्या? और क्या, इससे हिलता नहीं है, स्टेबल रहता है फोन, हिलने वाला सब। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे मंदिर के पे मुंडन के लिए, उसके बाद फिर कहीं चलेंगे। ये देखिए पार्किंग में हमारे लोग गाड़ियाँ खड़ी हैं, मीनम भाई आप सुबह सुबह कहाँ भाग के गए थे भूत बंगले की तरफ? मंगल मंदिर गए थे, अच्छी बात है। क्या मांगा आपने भगवान से? भगवान से मांगा है इनको एक अच्छी दुल्हन मिले, एक अच्छी और बहुत बढ़िया नौकरी मिले, अगला ट्रिप जो है इनकी बारात का, बढ़िया बढ़िया, अगला ट्रिप इनकी बारात का, अगला ट्रिप इनकी बारात का, और ये लंबा ट्रिप हो सही बस, कम से कम ट्रैवलर नहीं गाड़ियाँ चलेंगी, कम से कम 500 किलोमीटर गाड़ी निकलेगी तो लगेगा, हाँ 10-12 गाड़ियाँ सगा सक चलेंगी आगे पीछे,
आइए आओ लो। तैयार है बेटी? यस। बस का इंतजार कर रहा हूँ। बस का इंतजार? की सबका इंतजार? बीबी तैयार होंगे? अब बीबी का पति तैयार है, बीबी तैयार है कि नहीं? हाँ ये पता कर। छोटू भैया कुछ बोलिए। ये साउथ इंडियन बने थे, कहाँ गए धोती कुर्ता? अरे आओ तुम वहाँ से। ये देखिए इधर आ। ये देखिए बदतमीजी का लेवल। ये बिटिया बुआ वो बिटिया मौसी तैयार हो के सबके कमरे में जा के चेक इन कर रही हैं, कौन तैयार हुआ कौन नहीं। आइए आप लोगों को गेट रेडी विद शिशु दिखाते हैं। सब डालूंगा मैं, सब डालूंगा मैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सभी लोग उठ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं अतरंगी कपड़ों में और श्री और सब लोग तैयार हो रहे हैं। सभी ये वाला कमरा है मामी का जी। सब लोग अंदर तैयार हो रहे हैं। मौसी जी तैयार हो गए? जो एक फंक्शन में वो 100 की नोट लेके पूरा फंक्शन में जाता है वही। दस पंद्रह रुपए धरे रहिए बस काफी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे शुभ भैया। शुभ तैयार हो गया आपके? नहीं छोटे सुपी अंदर से। ये देखिए ये देखिए पुच्ची लेने का तरीका भी। नम भाई की छोटे छोटे से भी। चलो भाई छोटे से मिलने, छोटे से मिलने। ये देखिए सब लोग तैयार हो रहे हैं। हेलो हेलो, ये वीडियो जाने वाली है YouTube। बाकी कम चेक करें इसमें कौन है। अब चलते हैं 112 रूम नंबर में आरव की मौसी में। किसी और का ये? अच्छा सॉरी रॉन्ग रूम। अच्छा ये वाला है, तुम भी आ रहे हो? कहाँ लेके चलेंगे? आप सभी लोग तैयार हो चुके हैं? अभी दो लोग बाकी। अच्छा दो लोग बाकी, चलिए ठीक है। इतना डरते क्या तुम? डरने की क्या बात है? अरे मेरी बात, डरता है ये वाला। चले भैया वो उसमें रात मारने वाले में उसमें तैयार हो रही है। हम लोग रेडी हो चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं चलने का। हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा ना। ये सब गंदी बात है बेटा, हटा चल गंदी बात है। ठीक है बेटी। ये श्री की बड़ी बहन, हम सबकी बड़ी बहन सुबह दीदी तैयार हो रही। डेंगू कहाँ है? डेंगू नाच के दिखा। ये देखिए लेवल ऑफ बदतमीजी देखिए। अब तैयारियों की बीबी तैयार हो रही और मामा कह रहे हैं अभी तक तो तुम तैयार नहीं। अरे वकील साहब नहीं अभी तक तैयार हो? मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ दोस्तों, और ये देखिए मेरा चश्मा। विपिन मौसा कहाँ है? विपिन मौसा, विपिन मौसा भी यही महिला वाली यार करते हैं। शुभम भैया की जो खबर आई सही है ना? शुभम भैया की खबर इन्होंने बताया था? अच्छा इन्होंने नहीं, किसी और ने बताया था? कह रहे थे क्या होगा बताता यार। मौसी सीमा गुलाब का चिल्ला फूल हो गया।
फूल का रंग है बदल रेडी हो गया रेडी अगले टीम की तैयारी ये देखो बोलिए 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 अब तो बोलिए हमको टिकट दिला ट्रेन के आदमी सुबह अब तुम पकड़ो कहने नहीं पड़ेगा बताएंगे जब ऐसा कुछ है कोई कह रहा है वॉशरूम में बंद हो गए हैं सही लग रहा है अरे ये देखो ठीक मुंडन वाली लड़की आ गई इसकी का मुंडन है श्री का मुंडन है श्री का मुंडन है भाई गंजी हो जाएगी श्री सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं लॉबी में वेट कर रहे हैं सबके आने का इधर खड़े हो आप लोगों को एक बार फिर आप लोगों को एक बार फिर कार्यक्रम संयोजक की तरफ लेके चलते हैं और अब उनसे जानते हैं कि अब आगे का प्लान क्या है मांसा जी एक भैया क्या है ओवर टू मांसा जी ये लीजिए तो मांसा जी अब यहाँ से क्या आगे का प्रोग्राम है जरा लोगों को बताएं भैया यहाँ सब तैयार हो रहे हैं मंदिर को चलने के लिए वहाँ पे जाके मुंडन संस्कार होगा माता रानी के सब दर्शन करेंगे उसके बाद में आगे का कार्यक्रम ये है कि वहाँ का जो लोग मेला घूमना चाहेंगे घूम लेंगे और सबको पॉइंट वही दे दी जहाँ हम लोगों ने खाना खाया था ना वही पॉइंट दे देंगे उसको भोले भटके तो वहीं सीधे चला आए फिर नाश्ता वास्ता करके हम उधर चले आएंगे फिर आगे का कार्यक्रम जो है उसके बाद बताया जाएगा और मौसी जी अभी तक आई नहीं तैयार होकर मौसी जी तैयार हो रही है जानते हो महिलाओं को तैयार होने में ये बात लग ही रहा है इसको क्या कह रहे आपने दुनिया के हर मर्द की असली बात बोल दी ये क्या जी और निमेश भैया अभी तक तैयार नहीं हुए निमेश भैया अभी तैयारी में रहते हैं उनको ज्यादा खुशी तो दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं दूसरे लोगों के पास और प्रशांत भैया के पास अब वो बताएंगे कि आगे का मतलब उनका क्या हाँ भाई रूप रेखा क्या है आगे की ओके ये लीजिए अब आप लोगों को एक और लोगों से मिलवाते हैं ये लीजिए अब बताइए आपको अभी तक एक व्यवस्था कैसी लगी और मतलब आगे का क्या आपका प्लान है इधर इधर उजाला बढ़िया है और अभी आप लोग कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं सब लोग ठीक है तो ये थे सद्गुरु मामा के विचार अब मैं आप लोगों को कार्यक्रम के मेन सूत्रधार और नाराज फूफा से रूबरू कराता हूँ आइए आइए अरे आइए मेरी तरफ से कोई जरा से दो शब्द ना कोई नाराजगी है और ना कोई कमेंट है बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हें गाली नहीं देंगे बाकी तक अब आपको लेके के चलते हैं रोने लगी क्या ये दुल्हन कौन है अच्छा ये तो मौसी अब आपको लेके होगी कार्यक्रम कंट्रोल मजनू कंट्रोल आराम से मजनू कंट्रोल नहीं कर सकता छोटू भैया आपकी तैयारी हो गई कि नहीं हाँ बिल्कुल हो गई भाई चलिए तब फिर आइए शुभम भैया कुछ बात पूछनी इधर आइए 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 हॉट सीट पे आइए आइए इधर आइए अरे इधर आइए जल्दी आइए शर्मा अरे आगे चलो सबसे पहले का देश का सवाल ये है जनता जानना चाहती है हमारी आप भाभी जी को लेके क्यों नहीं आए अच्छा मतलब एक बार में आप 7 करोड़ वाह ये
ये श्री का है श्री बाद में होगी क्या हुआ मामा मामी बन रहा है बिल्कुल क्या हुआ बताओ खींचे तो फोटो तो खींचे समस्या का समाधान कर दे अपना अपना काम करो जो जो कर रहा सबको करो खींचे रिकॉर्ड हो रहा है पड़ेगा अब दोस्तों आज का प्लान ये है हम लोग यहाँ से निकलेंगे मुंडन के लिए श्री के सभी लोग तैयार हो चुके हैं सॉरी मेरे माइक का कवर निकल चुका था अब हम सभी लोगों की गाड़ियाँ तैयार हैं अब हम लोग यहाँ से चलेंगे मिंदा चौक वहाँ पे मुंडन है वहीं पे मुंडन का सारा काम होगा सभी लोग तैयार हो चुके हैं बस राखी मामी तैयार हो रही उसी तैयार हो रही और सभी लोग लॉबी में वेट कर रहे हैं तैयार होकर तो आइए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मुंडन में बाइक लगाना देख जी अब हम लोग रेडी हैं चलने के लिए मुंडन में जी और चाय पीने के बाद तुरंत निकल लेते हैं मामी आप कुछ बोलना चाहेंगे हम पक्का बोलना चाहेंगे बस हम लोग रेडी हैं बस चलते आदेश का पालन करेंगे बिल्कुल बिल्कुल अभी लेकिन श्री और मामी नहीं तैयार है वो लोग तैयार हो रहे हैं उन लोगों को तो होना जरूरी है उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा तैयार हो भाई और कौन बच्चा है जल्दी बताओ आराम तो हर कुछ में आ रहा है शुभ आइए शुभ का इंटरव्यू कौन अरे बस चल रहे शुभ आपको कैसा लग रहा है श्री के मुंडन में आके ये बहुत अच्छी लाइफ है मेरी क्योंकि आपको तो मेरे को ही करवाना है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को और आप वो श्री के कुछ लाइन वाइन गाना वाना लिख के लाए मुंडन के लिए परफॉर्मेंस है भी आपका माइक वाइक लाया हूँ मैं सामने तो मैं तूफान सिंह अब आप लेके चलता हूँ सनसनी के दूसरे एपिसोड में आइए चले आइए चलते हैं पहले पहले मौसम श्री के मौसम और रूम में आप लोग तैयार हो चुके हैं तो आइए अभी मैंने सबसे इंटरव्यू लिया है सभी लोग बता रहे हैं उनको कैसा लग रहा है खाना कैसा लगा कल रात का खाना वाना कैसा था अगर व्यवस्था में कोई कमी तो आप बता दीजिए हाँ हम दोनों को बता दीजिए संकोच न करिएगा रावण रावण कहाँ देखेंगे कुछ रावण आइए चलते हैं आप लोग आयुष भैया के पास उनसे भी पूछते हैं व्यवस्था में कोई कमी अमी तो नहीं रही आयुष भैया बताइए नहीं मतलब और खाना वाना कुछ सब और कुछ संकोच नहीं करना भाई अब बता देना कोई दिक्कत आ रहा है आप कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत तो मुंडन के लिए आप तैयार एक्साइटेड है डांस पास आप अब आपको लेके चलते हैं आरम की मौसी की तरफ और उनसे जानते हैं उनका अभी तक का सफर कैसा रहा और आगे का क्या प्लान है मेरा सफर बहुत अच्छा रहा आगे जाएंगे श्री का मुंडन करवाने और खाना वाना सब ठीक है बहुत अच्छा रात में कोई डोर बेल वाले तो नहीं बजा आरम आ करके बजा रहे थे आरम कार्ड देंगे तुम्हें शिकायत आ रही थी आ चले अब कौन मुझे आईटीआई की पास और पूछते हैं उनसे क्या रहे अभी तक के विचार आइए ये मामी को अरे ये हेड कौन है अच्छा मामी है तो अरे ये देखिए मुंडन गला गई श्री दादे को भाई श्री दादे को अब और आप एक बात बताइए विनम भाई अभी मैंने आपको दूर से ताड़ा था आप सदमू चाचा के वो मामा के साथ आप कहाँ गए थे फ्रेम ना काटो दोस्तों सिगरेट की महकारी पकड़ा गया यार भैया बोरी पी रही है सिगरेट नहीं बीड़ी थी
मामी आप आइए अब आपको लेके चलते श्री की मम्मी के पास और पूछते हैं। तुम भैया नेपाली ले लो। अब चलते हैं आपको श्री के वो गोद लिए भाई की तरफ। आराम इधर आओ, आराम इधर आओ। तो मिलवाते हैं बहुत बदतमीज जो रात में आराम से सबकी डोरबेल बजा रहा था। मॉर्निंग में जो डोरबेल बजा रहा था मॉर्निंग में तो वो तो मौसा मौसा ने बजाई थी। बता बेटा आ रहा इसीलिए मैं कहने में ना था। जब पूछो बताओ क्या। एक बार फिर से सनसनी के एपिसोड में आपका स्वागत करना चाहता हूँ। अब आपको लेके चलता हूँ श्री की बड़ी बुआ और छोटी बुआ के पास। आइए आप लोगों का सफर कैसा चल रहा है। लेकिन मैंने जा रहा है यहाँ से। अब मैं आप लोगों से के सामने पेश करना चाहूँगा तेलीबाग की अजीज फनकारा और वो लोग बंधु किसान दीप्ति श्रीवास्तव जी। बंधु नहीं बंधु थी सारी बंधु किसान किसान तो मैं एडिट कर दूंगा। और मतलब आप वहाँ तो स्कूल कौन चला रहा। तुम फ्रेम में जरूर आना है। फ्रेम में जरूर आना है। और सबका फ्रेम काटे हो तुमने। गलती और सुनने में आपके हस्बैंड को कोई दिक्कत हुई। हस्बैंड को हमारी कोई दिक्कत नहीं हुई है लेकिन सफर बहुत अच्छा रहा हमारा और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो है अरे सफर में कुछ ना कुछ समस्याएं तो हो ही जाती हैं। जैसे आगे बैठना पीछे बैठना गुलाबों से मिलो गुलाबों से इसको लेकर के और उसके अलावा जो है वो थोड़े बहुत बोलने की समस्याएँ होती हैं वो लोगों ने फेस कर ली। एक चीज बोलनी चाहूंगा काफी लोगों की कंप्लेन आई है कि आप और आपके हस्बैंड को आपके कंधन पे हाथ रख के बैठे तो लोगों को दिक्कत है। सामान में ध्यान दें ये पार्क नहीं है। आप आपको मिलाते हैं सुनो जी लोग दिल था मोजी क्योंकि बारी है मंजिली बुआ की सबको ये करती है नाराज आज भी है इनका अंदाज। सभी लोग अपना पर बटुआ गोल गोल ध्यान रखते अब तो भैया पहले बड़ी बुआ हो गया। बड़ी बुआ का हो गया आप क्या बोल रही है बताओ। ये बता पूछे का बता रहा पैसा मौसा जी से लेके अपने पास रखता है साल तक नहीं तो हर बार तो बता जाएगा। जीजन का है तो अपनी चीज की समझ ध्यान रखिए आज के लिए कीमती सामान का ध्यान रखिए। उनके लिए आज तुम हो ये ट्रेंड ये उनकी कीमती सामान है। एक कहाँ गई एक कीमती सामान फोटो खिंचाइए और चलो मासा जी ऐसे डिजाइन ही हो रही अभी आई हो गई। अरे क्या लगा हो गई मैंने दोस्तों तो ये क्या है ओ चलो लो जल्दी खींचो सब एकदम वाइट पच्ची भी ले लो। पहले आ रही है श्री का मुंडन है। श्री आ रही है आ जाओ कौन आ गया शिशु भाई के साथ सीधी का बड़े पापा पास जाओगे मौसा के साथ आओ मौसा के साथ साथ आओ
अपने अपने हस्बैंड के साथ आओ। आते रहिए। वकील साहब कहाँ? बिल्कुल सब आप ही की आई है, सब आप ही आई है। बाहर अभी एक फोटो लेता हूँ, आराम छुप के साथ आओ, हाथ पकड़ के छुप। अब तुम्हारे अपने पापा मम्मी से कितना साथ में? हम लोग जो है अब जा रहे हैं विंध्याचल माता के मंदिर में मुंडन कार्यक्रम के लिए, जिस मिशन के लिए हम लोग आए थे। और अब हम लोग तैयारी कर चुके हैं, सभी लोग धीरे धीरे निकल चुके हैं। ये भैया भाभी हैं, ये गरिमा है, ये भाभी हैं भैया, ये मेरा दोस्तों। अब हम लोग जा रहे हैं श्री के मुंडन के लिए, सारी गाड़ियाँ तैयार हैं। ये देखिए सभी लोग बैठे हैं अपनी गाड़ियों में, और ये मेरी गाड़ी है, मम्मी लोग और वो सीमा मासी लोग उस गाड़ी में हैं, क्रिस्टा में। एक क्रिस्टा ये जा रही शुभम भैया की। यो चलिए निकलते रहिए। मौसा जी आपकी गाड़ी आगे चलेगी सबसे। ये देखिए दोस्तों हम लोग टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, आगे निमेश भैया की गाड़ी चल रही है और पीछे काफिले, हम लोग की सारी गाड़ियां चल रही हैं, 6-7 गाड़ियां हैं काफिले में। अब तो हम लोग पीछे से चल रहे हैं गाड़ी लगाने के लिए, क्योंकि इधर लगाने वाला मंदिर के सामने। ये देखिए पीछे काफिले में अपनी सारी 6-7 गाड़ियां आ रही हैं जो सब साथ में हैं। श्री के उसका लोग सब अपनी गाड़ियों पे है। हम लोग पहुंच चुके हैं। गंगा जी के खड़े जी ने याद है। अब दोस्तों हम लोग पार्किंग में पहुंच चुके हैं, गाड़ियां लगा दी हैं सब, और अब चल रहे अंदर मंदिर के में दर्शन के लिए। और ये देखिए सब लोग आ रहे हैं एक एक करके। मासा जी आपका माइक गाना ना गाते माता ने कहना नहीं चाहिए, बैकग्राउंड नजर ना लगे, मामी हीरोइन लगे। अभी उस समय दीदी का हीरोइन लग रही है, अभी मामी सबको सबको ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा सबको मोटिवेट करना चाहिए। जा थोड़ी देर लाडो भाई पांच जा आज हमारा बच्चा मोटिवेट हो। मैं तो हूं, कहां हो, थोड़ा हो मोटिवेट। वो कार से झूला निकलवा ने सब निकल गया। वकील साहब हाथ पकड़ लीजिए, साइड होइए आप लोग, घेर देते हैं आगे सब लोग। चलो भैया कौन आ रहा है? अरे मामा मामी ने बच्चों को हाथ पकड़िए, बच्चों का मतलब। चलो 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 भैया, मम्मी मम्मी साथ रहो। अच्छा ये मैंने कहा बच्चों का हाथ पकड़ना, मौसम आज अपना हाथ पकड़। बच्चे कहाँ तो चलो भैया चलते रहिए। बच्चों का है सब लोग।
ड्राइवर साहब आप पूरा काफिला लेके आए मोबाइल नंबर याद है सोमा अपने लड़के स्कूल से मोबाइल नंबर याद है कि नहीं क्या हम आज मोबाइल नंबर अरे ये कौन जा रहा ये देखिए दोस्तों मुंडन के एक बच्चा जा रहा राजा तुम भैया अकेले अकेले आए पूरे ब्लॉग में आप ये बात रहेगी आप अकेले अकेले आए जब तक आप अगले सफर भाभी को नहीं लेके आई सीमा हुआ था वो आगे चल नहीं सही कहना नहीं चाहिए मामी मामा ने हमसे दो बार कहा कि आज आज मामी हीरोइन लग रही है ये देखो सही दो बार नहीं मामा हमको बता रहे आ गए दोस्तों ये देखिए अरे नया बन रहे तो आते रहिए हमारे साथ के लोग यहाँ खड़े हो जाएं एक मिनट सभी लोग आ जाए फिर चले सभी लोग आ जाए फिर चले आप आगे आइए अरे मुंडन वाली लड़की को आगे लाओ अरे सब कैमरे सीमा मौसी गुस्सा आ रही उधर देख के आ रही है ना वही आ रही जिसका मुंडन उसको आगे लाओ लाडो लाडो एक नारा लगवाओ जरा नारी नारा लगवाए वर्मा जी को बोले नारी मौसा जी कहाँ चले गए एनआरएमयू का एक नारा गए वो पप्पू जी आगे ये देखिए दोस्तों कितना भव्य बनाया जा रहा है आप बिंदुवासिनी का टेम्पल आ जाइए भाई आते रहिए कहाँ चले गए भाई मौसा जी अंधा कानून कहाँ से आ रहा डंडा कहाँ आपका डंडा लकड़ी का सहारा हारू का हारा अंधा हारा दोस्तों इस समय हम लोग ये देखिए मास्टरी माँ बिंदा चल के मैं हैं अब सामने से तो नहीं पीछे से आगे दोनों इस समय बहुत बन बन गया है इस बार तो बहुत सारा जब हम लोग पिछली बार आए थे रिटर्न रिक्शा तब सब बन रहा था ये दुकान देखिए दोस्तों यहाँ पहले भी आ चुके हैं पिछली बार बिना माइक क्यों होगा जेब में ये लगाए हो क्या सस्ते वाले चढ़े वर्मा जी बताइए समस्या इनको क्या समस्या नहीं पहले आप पहले आप सोमा ने परेशान तो नहीं किया चिपकने की आदत है उनकी लो इंटरव्यू तुम लोगे हम अब चल अब चलते हैं आप लोगों को एक विशेष अतिथि के पास लेके जिनके बिना ये प्रोग्राम होना अधूरा
अब वो बताएंगे रात का खाना और उनको मेन्यू वेन्यू कैसा लगा बताए। चिल्ला चिल्ला बोले अरे हम दाल प्रसार हो जाएगा। और कोई संकोच संकोच ना करिएगा, बता दीजिएगा सब फीडबैक। और आज आज के क्या प्लान है? सुबह आप और विनम भाई कहीं बाहर गए थे? इनसे दूर रहिएगा, ये बहुत बदतमीज लड़का है। देने के लिए लेकिन थोड़ी देर बाद इनके हाथ से दाहिने हाथ से सिगरेट की महक आ रही है। ठेका नहीं खुला इनसे लो भैया, ये चुम्मी लेते हैं। अब आपको अब आप लोगों को मिलवाते हैं जिन्होंने मेरी टक्कर से ज्यादा अच्छी गाड़ी चलाई वर्मा अंकल से। हालांकि वो रेल के ड्राइवर है पर उनको मजबूरी में छोटा इंजन चलाना पड़ रहा है। आप बताइए आपका सफर कैसा रहा और आपको छोटे इंजन वाली गाड़ी चलाने दिक्कत तो नहीं हो रही? अंकल जी लोको पायलट है, ट्रेन चलाते, कहाँ छोटी मोटी गाड़ी पकड़ा दी कर रहे थे कल। खाना वाना कुछ? और एक बात मैं जानना चाहता हूँ, सोमा आपकी चिट्ठी पे तो नहीं बहुत परेशान करते हैं रात में, कहाँ का सोमा? सोमा को होश ही नहीं रहा, आप पता नहीं चला कहाँ लेता है। और इस ट्रिप का सबसे जरूरी सवाल ये था, आप भाभी को लेके भाभी को ये हर आदमी सवाल पूछ रहा इसका जवाब नहीं दिया तुमने, परेशान किया अंकल जी को बता रहा हूँ। तुम कहे बदमाश हो गए, मम्मी मम्मी कह के रो रहा था रात में। मैं क्या बात की ये सब पता याद भी नहीं था। इंजेक्शन आठन रात से महावीर निवासी के विंध्याचल में ये नया बनाया गया है माननीय योगी जी के वो विधायक मंत्री है। अरे है तो विधायक ही उनके, उन्होंने सारा बजट दिया सिद्धिपीठ मंदिरों को 10 करोड़ का, न्यूज में यही दिखाए थे। प्रसाद ले ले सब लोग, आपका इंटरव्यू हो गया? इंटरव्यू हुआ अभी आपका लेते हैं, आपका भी नहीं हुआ? चश्मा का अरे जेब में ये चढ़ा लेना, तुम चलो ना बाहर। सब मुन्ना गाना छोला आप लोग पढ़िए, रखा रहा उसको यहीं पे। एक मिनट झोला ले लो, आप लोग आगे चलिए। आते रहिए हमारे साथ, चलते रहे। जय माँ विंध्यवासिनी, आते रहिए। जय माता दी की जय। भैया एक तो आगे चले जाओ, ये लोग आते रहिए। जय माता दी जय माता। आराम से हम देख के फंस रहा है दोस्तों। ये माता जी का दरबार है और अब इधर से अंदर चल रहे हैं लाइन में लगने के लिए। जल्दी सुबह जल्दी जल्दी आओ। मम्मी कहाँ है?
जल्दी आइए। मैं हूँ, मैं आओ जल्दी बीच में रहो। भैया पहले ये लोग हैं साथ में, इधर ये साइड खड़े हो कि भेजिए पहले सब जो जो साथ में बताइए। ये नहीं है, अरे यार इधर हो, पहले इधर वो बुला रहे हैं। आओ भैया जल्दी जल्दी जाइए, आप लोग तो और लेट कर रहे हैं। आते रहिए आ जाओ जल्दी आओ बेटा, भिड़ी जल्दी आओ। आ गए अभिनम भाई आखिरी में, ऐसे घूमे ऐसे। सबकी आ रही जय माता दी, चलते रहिए पीछे बड़ा श्री गंजी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, गंजी हो जाएगी। ब्लॉगिंग देखेगी, ब्लॉगिंग देखेगी। सभी लोग लाइन में लगे हैं हमारे साथ वाले रतन के लिए। जय माँ विंध्यवासिनी। लाइन आगे नहीं बढ़ ली। जय जगदम्बा मैया की, जय बोल आदिशक्ति भवानी की, जय बोल साचे दरबार की, जय बोल साचे दरबार की, जय जोड़म दर्शन करना है। शिशु अपने जोड़म करेगा। तीन तक पहुंच गए फ्रंट वाले और सभी लोग पीछे लाइन में हैं। जय माता दी, आगे वाले जय माता दी। इस साइड दोस्तों हवा चल रही है। जय माता दी, जय माता दी। मित्रों जय माता दी। ये देखिए दोस्तों, ये मेन टेंपल है अंदर, इसके अंदर लोग वही लाइन में दोस्तों। इस बार सोमा भाई लोग साथ फिर से वही लाइन चलते रहिए। अंदर खड़े दोस्तों वो माता उस पटना को देखो अभी नहीं बनता बड़ा। जय मां वृंदावनी। शुभ आरती ले लो बेटा। जय माता, जय माता। चलो शुभ, चलो 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 आज बजाओ तो लगाओ।
मुंडन के लिए जा रहे हैं, माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, सभी लोग चल रहे मुंडन। ये देखिए दोस्तों, पिछली बार से कितना बन गया है इस समय माँ विंध्याचल मंदिर, और अभी भी काम चल ही रहा है रेनोवेशन का, और सभी लोग आ रहे हैं एक के पीछे एक के पीछे। हमारा वकील सारा सामान उठाए है। अच्छा आप भी आ गए, चलिए अच्छी बात है, आते रहिए आते रहिए। तो बड़ा पापा का चलो ले ले। ये देखे तो सब भव्य निर्माण करा गया है माता रानी के टेंपल का। अरे भटकी हो गए तो देख रही भाई। हेलो भैया, बाकी लोग कहाँ बिना मिनम कहाँ रह गए भाई, सामान सामान छूटे ना, चलते रहिए नौ तक। दोस्तों अब फाइनली श्री का मुंडन होने वाला है और सभी लोग यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है। ये देखिए छोटी बुआ के साथ है श्री। ये देखिए गंजी होने वाली है श्री। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको देख रहे हैं बहुत खुश नजर आई, थोड़ी देर में ही मुंडे लगे आटा हम नहीं सानी करूँ, जो आटा सान जाएगा उसको पैक करेगा, उसको पैक पाने के बटन पर एक आटा सानेगा, जल्दी आटा सानेगा, जल्दी पढ़ के ही आटा साने दो। किधर बनाने इधर पीछे इनको भेजो। आप आई बड़ी ए बिलम इधर इधर आ जाओगे ना, इधर आ जाओ। किसका बजाओगे? अरे मेरा बाजा। अब पानी के मुंडन होने वाला है, शहनाई बजना शुरू हो गई। अरे आए आए आइए इधर आइए। दो मामा भी पकड़ोगे? नहीं, दो मामा भी पकड़ोगे और बीड़ी और वो अभी भी पकड़ेंगे। आटा सज चुका है। ये देखिए ये बाजा बंद क्यों हो गया यार? एक रुपए सिक्का। हाँ भाई बंद ना हो, बाजा बंद हुआ पैसा। चार मिनट तुम बजा पो, ₹4 के साथ ₹10 ले। ये दोस्तों श्री का मुंडन शुरू हो रहा है। थैंक यू फॉर कमिंग श्री मुंडन। आराम आराम आराम।
रोक रोक के बना थाम था।
भाई है मालिक सब। चेंज अब चलता हूँ दर्द बनाने के लिए, इधर जाने दीजिए भैया। अरे बाबू लाला क्या बजा रहे हैं, कुछ और बजा। हट जाओ जरा भी सर टाइटली पकड़ना, टाइट से सर पकड़ना, टाइट पकड़ना, जरा सा हिलेगा तुरंत लग जाएगा वरना। ये देखो एंटीक तरीका से लोग बाल बनवा रहे। शुभम भैया से कहा अगले साल फिर आना है, मुस्कुराने लगे। हमने कहा मुंडन में गए आप कंट्रोल भावना में, अरे भावना में आ गए। कंटेंट मिल गया, कंटेंट बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर ये देखो छोटे भैया, छोटे छोटे भैया देखो, सभी लोग मुंडन में आए थे, चिड़ी गंजी हो रही है। टर्मिनेटर लग रही है, टर्मिनेटर लग रही है। बोतल मंगाया मामा खाते हैं हम लोग चलेंगे। अभी मतलब भाई खींचो खींचो जल्दी। कल में चक्कर आ तुम्हारे पैसा लाओ लिफाफा दे देना जल्दी दो वरना मुंडन अभी स्टॉप हो जाएगा।
सब लोग सुपर हुआ तो मैं सर बढ़ना भी लोग चलेंगे अभी चलेंगे बढ़िया पार्टियाँ छपी होगी। अरे अरे सोमा बिनम का देख नहीं पाए थे मुंडन ना अभी देख ले भैया लीजिए बेटे लीजिए मामा हो गया भाई हो गया पैसे में ध्यान लगा बाल सब बटोर उठेंगे कुछ छूटेगा नहीं ये भैया बटोर ले लेंगे बाल बाल बहादुर के चांद में जाएगा वीडियो बनाएगा देसी की लगाने पर जो आ रहा है देसी देसी की लगाने पर पास्टिक बनेगा दे दिया अपने हाथ से हाथ से पुआ है बाहर रोक के हाँ रोज नहीं भाई आप बता दे देख पाए थे देसी घी लेने के यार यार ये क्या ले लो लो आ गया देसी घी आ गया लगा 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 चावल बहन ना मुंडन में तुम कमा रहे लो सैलरी लो एक महीने की सैलरी लो एक महीने की बीजा सैलरी लो एक महीने की छोटी बहन का मुंडन हुआ है दो एक महीने से मनी मन गाली दे रही थी सोमा को जितने बाल बाल काटे तुमको क्योंकि बाल तुमने कटवाए उसके जो लग रही है पापा के पास जा रिश्ता पक्का ना करो बिटिया का क्या बार रिश्ता कर
खड़ा हो गए, वकील साहब मारने लगे, रिश्ता पक्का कर दे रहे थे। अरे गंजी हो गई भाई, अब हंसी अब हंसी। दोस्तों गंजी हो गई शुरू, ले भाई इनसे स्वाद। हो गया। अरे चांद तारा बन, ये क्या बन, तुम बनवा लो बन जाओगे, तुमको बनवा लो बेटा, फिर इशू के बनवा दो। अरे बाप रे इतना ना लगा भैया। तो फाइनली सब मुंडन करवा के अब हम लोग वापस आ चुके हैं जहाँ से प्रसाद लिया था इसी दुकान पे। पिछले साल आए थे तब भी इन्हीं भैया की दुकान से लिया था, राजा पंडा के नाम से, राजा पंडा जी के इनका नाम है। पिछली बार मम्मी किसके साथ आए थे आप? तब हम लोग आए थे जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत अधिकारी आलोक सिंह के साथ, और ये राजा पंडा भैया जी ने पूरी व्यवस्था मंदिर की, तब मंदिर बन रहा था, हम लोग यहाँ खड़े थे और दर्शन करके आए थे। तब सन्नाटा था इस समय, थोड़ा वो दशहरा का दिन है आज और कल नवरात्र समाप्त हुए हैं, इसलिए करके बहुत भीड़ है आज। अब इसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से नाश्ते पे, और बाकी सभी लोग गंगा जी गए। अब चलने का समय है दोस्तों, सभी लोग आ चुके हैं, सब लोग शॉपिंग करते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं घर की तरफ। देखिए चिरी को क्या बना दिया है मामी ने चश्मा लगा के, चिरी लग रहा नशे में। ए चश्मा ठीक करो यार, देख नहीं पा रही वो। दोस्तों ब्रेकफास्ट क्रम ब्रंच और कम लंच के लिए बैठे हैं स्कूल। दोस्तों अब इस समय लंच कम ब्रेकफास्ट कम ब्रंच पे बैठे हैं सभी लोग। उनको जल्दी करवाओ, धक्का मुक्की चालू हो गई, मैंने उनके बाप का हाथ पकड़ लिया, वो और धक्का देना शुरू करे। हमने कहा भैया ज़्यादा धक्का मुक्की मत दो, हम देंगे तुम फिर बच्चों के, फिर उनका बेटा आया अपने बच्चे को लेके, उनके बेटे की जिंदगी शुरू हो गई। का जो हाईवे है वहाँ पे हम लोग बैठ के ट्रैक्स कर रहे हैं सुबह, और सभी लोग बैठे हैं पूरे 40 पता नहीं जो अपने जो भी अपने साथ है सभी लोग बैठे हैं एक लाइन पे। और आप लोगों को ब्लॉग अगर अच्छे लगते हो चैनल पे लाइक या सब्सक्राइब करें, और कमेंट में फ्री को विश कर सकते हैं आप। अब भाइयों वहाँ से मुंडन करा के और खाना पीना खा के होटल से आके सामान वामान पैक करके अब हम लोग के चलने का समय हो चुका है। सारी गाड़ियाँ ये देखिए लोग सब बाहर हैं, सब वाइंड अप हो रहा है, गाड़ियों में सामान लोड किया जा रहा है। अब हम लोग वापस लखनऊ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, हमारी गाड़ी में सवारी फिर से वैसे ही बैठी है। चलने के लिए सभी लोग तैयार हैं। पीछे कौन कौन बैठा है? वीडियो बन गई है। ये हमारी गाड़ी, ये निमेश भैया की गाड़ी। दोस्तों अब मेरी गाड़ी में अंदाज 4:30 बजे हैं, और हम लोग कहाँ पे हैं मीनम भाई? हम लोग हैं नियर अबाउट प्रतापगढ़ और कुंडा बाईपास पे। यहाँ पे कन्हैया जी का भोजनालय है, चाय के लिए रुके हुए हैं हम सभी लोग। सारी गाड़ियाँ पार्क हैं,
आप सब लोग देख सकते हो। मैं आप लोग लेके चलता हूँ कुछ अच्छी जगह पे। ये देखिए शुभम भैया गाड़ी में पूरा स्टॉक रख के चल रहे हैं। मुनैको का पैकेट कहीं नहीं। प्लेट ले आना, बड़ी सी ले आ रहे हो? प्लेट बड़ी सी। अरे इससे ले आओ, उसके बाद होएगी। क्या निकाल सिम निकाल कचौड़ा देना तुम्हारा। हाँ नमक में भूजी है, नमक में थोड़ा मूँगफली भूजती। तो गवार है ना, पढ़े लिखे गवार हैं। मुनैको का पैकेट कौन सा है? अरे तो ढूंढ लो छोटू, काम सीखो बड़े मालिक से। एक तो वो ब्रश में काम करो। ब्रश में क्या कपड़ा मारो बड़े बड़े गाड़ियों पे। ला 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 दम आज 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 ये देखिए श्री गंजू है। लड़के फटाफट टेबल पे कपड़ा मारो, मूंगफली रखो यहाँ पे। लड़के कामचोर है मेरे श्री गंजी। लगे रहो लड़को मासा जी, आपका माइक कहाँ आ गया है आजकल? आप माइक ए बंदर आ रहा हो देखो, बिना बंदर आ रहा है वो देखो, आराम बंदर आ रहा है, आराम इधर है, आराम इधर है। अरे देख रहा आराम को काट ले बाहर। ये बना रहे हैं, रायता बन रहा था, करने के लिए गिर नहीं बोलिए। यार सफर में तुम आगे आगे चले जाते हो, 120 में चलते हुए आपके साथ आए सबसे देर में, फिर उसके बाद आपसे भी लोकेशन मंगाते हो, कभी कुछ मंगाते हो, ये ब्लॉगर ठीक नहीं है। आपसे आगे आगे भाग करता है, वीडियो बनाता है, रिकॉर्डिंग करते हो, हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। आपसे भी पीछे आया हूँ इसीलिए इस बार पीछे हुए थे। नहीं वो इतने वहां से आगे आगे आ रहे थे, वही गिरा के मार कल भी आगे आगे रहे हो तुम। नहीं आपसे पीछे ए मेरा श्री गंजी है। मुंडन के बाद कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मुंडन के बाद? ये देखो भाई पायलाल पहने श्री टाइम पास कि भाभी क्यों नहीं आई, ये बात आप बता नहीं रहे। ये करवा चौथ के लिए अभी से वो सींग बटोर लिए, तोड़ लिए, इन्होंने मेहनत भी करा दी। अभी से सस्ते सींग टूट गए, अगले साल फिर आना है घर। नाराज फूफा जी वहाँ बैठे, तुम उनका ध्यान नहीं दे रहे हो? अब चलने का समय हो रहा है, तो कुछ ऐसा माहौल है आफ्टर द टी। रानिया तो अब नाराज हैं। चोरी करके बिस्कुट लेके जा रही तुम? ये देखो देखो कितना गलत बात है, गाड़ी के अंदर कितना रखा हुआ है, इतना सारा बिस्किट है इसके साथ में। शुभम बताइए, शुभम भैया आपसे उम्मीद नहीं थी। आप ओरिजिनल करवा लेके जा रहे एकदम? शुभम भैया गलत बात है, अरे वो ना अगले साल किया है। कहाँ जा रहे, रास्ता भूल गए, गर्मी डाल गई, रोड पार कर रहे हैं टॉयलेट के लिए, इधर बना है इधर नहीं गए। अंदर टॉयलेट बना है वहाँ नहीं गए। अब एक उनसे कह दो कि पैजामा कटवा करके इसमें तीन लोगों को जाओ। अब चल चुके हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से, सभी लोग अपनी गाड़ियों में बैठ चुके हैं। बाय बाय कन्हैया जी, भोजनालय फिर मिलेंगे।
अगर कभी बिंदा चला आते तो मिर्जापुर। देखो पहले लिखो तो। अरे हाँ तो बेटा देखिए श्री को क्या बना रहे बिना उनको भैया लस्सी लस्सी मंगा लो कुछ खा लो तुम खा लो श्री लीज लो क्या रुकसाना। दोस्तों अब रायबरेली के स्वीट रेस्टोरेंट में खाना आ चुका है, अब यहाँ से अलविदा करके निकलता हूँ। सभी लोगों को बाय 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 श्री, सभी लोगों को बाय जार लखनऊ। सभी को बाय चल जी, सभी को बाय। शुभम भैया कहाँ हैं?